तो दोस्तों मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ एप्सन प्रिंटर L130 की। तो चलिए दोस्तों अनबॉक्सिंग करते देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आता है। दोस्तों सबसे पहले इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। और आप ये मॉडल देख सकते हो, उसका L130 मॉडल है। और फिर इसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं इस बॉक्स को। यहाँ से इसको कट करेंगे और फिर यहाँ से तो दोस्तों इस तरह का ये ओपन होता है। और इसके अंदर पहले तो ये हमें सीडी दी जाती है कि इसकी जो गाइडलाइन है, किस तरह से इसको इंक वगैरह डालना है इसके अंदर। और ये सीडी जो हमारे लैपटॉप के अंदर कनेक्ट होगी, ये सीडी आएगी यहाँ से, जिसको हम रखते हैं साइड में। और दोस्तों इसके बाद आता है एक चार्जर एडेप्टर, तो इसको कनेक्ट करने के लिए रहता है प्रिंटर को, इसको भी साइड में रखते हैं। एक एक चीज निकालते हैं और फिर दोस्तों इसको हम बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे ये इंक बॉटल मिलता है हमें एप्सन की तरफ से। चार बॉटल्स मिलते हैं इसके अंदर दोस्तों। ये रेड है M664 और ये हमें मिल जाती है येलो मिल जाती है। और उसके बाद में सॉरी येलो या पिंक या ब्लैक मिल जाती है, चार बॉटल्स मिलती है इसके अंदर। और फिर फाइनली इसको हम निकालते हैं। दोस्तों बॉक्स को साइड में रखते हैं। इसके अंदर हमें केबल्स मिल जाती है जो कंप्यूटर को इसको कनेक्ट करना पड़ता है, और लेफ्ट प्रिंटर को कंप्यूटर से, तो इसको भी हम साइड में रखते हैं। और दोस्तों उसके अंदर फिर इसको जो प्लास्टिक से हम इसको बाहर निकालते हैं। और फाइनली इस तरह का हमें प्रिंटर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे जो इंक वगैरह इसको डालने की जाती है, तो आप यहाँ से प्लास्टिक ऑफ पेपर इसको हटा सकते हो। और ये प्लास्टिक हटाने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे इसको खींचना पड़ता है ये सभी।